नमस्कार भाइयों बहनों, निर्गुंडी आयुर्वेद की एक महाऔषधि है जो शरीर की रोगों से रक्षा करे, उसे निर्गुंडी कहते हैं। इसके झाड़ स्वयं पैदा होते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं। इसके पत्तियों को मसलने पर उनमें से एक विशिष्ट प्रकार की दुर्गंध आती है। यह बूटी बात व्याधियों के लिए एक प्रसिद्ध औषधि मानी जाती है। यह समस्त भारत में हिमालय के बाहरी इलाकों में पाई जाती है। सफ़ेद, नीले और काले रंग के भिन्न भिन्न फूलों वाली इसकी कई प्रजातियां होती हैं, किंतु नीला व सफ़ेद इसके दो मुख्य भेद हैं। पत्तों के आधार पर निर्गुंडी की दो प्रजातियां मानी जाती हैं। 5 पत्ते तथा 3 पत्तियों वाली भी निर्गुंडी पाई जाती है। निर्गुंडी कफ और वात को नष्ट करता है और दर्द को कम करता है। इसको त्वचा के ऊपर लेप लगाने से सूजन कम करता है, घाव को ठीक करता है, घाव भरता है और बैक्टीरिया आदि कीड़ों को नष्ट करता है। भूख को बढ़ाता है, भोजन को पचाता है, यकृत को ठीक रखता है, कुष्ठ रोग को ठीक करता है, पेशाब बढ़ाता है, स्त्रियों के मासिक धर्म को संयमित रखता है। यह ताकत बढ़ाने वाला, आँखों के लिए लाभकारी, सूखी खांसी ठीक करने वाला, खुजली तथा बुखार विशेषकर टाइफाइड बुखार को ठीक करने वाला होता है। कानों का बहना रोकता है। इसका फूल, फल और जड़ 5 भाग औषधि होता है, जिसको हम पंचांग कहते हैं। माने निर्गुंडी के का जो पंचांग है, ये पूरा जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, एवरीथिंग, माने 5 भाग औषधि होता है। और ये इसके फूलों का यह गुण है कि यह उल्टी को रोकता है। धन्यवाद।